हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 हमारा है, थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मतलब जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी में? एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, लर्न करना है, फिर आपका टेस्ट होगा। देखो, क्लास 6 के बच्चों ने टेस्ट दे दिया, ओरल टेस्ट मैंने कर लिया ग्रुप में, उन्होंने बहुत अच्छा किया। 7th और 8th और 9th 10th आपको भी ऐसे ही करना है। पूरा तैयार कीजिए, हम फटाफट टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग ना तैयार कर रहे हैं ना रिप्लाई कर रहे हैं कुछ, तो अच्छे से पढ़िए समझिए। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि मटेरियल तरह तरह के होते हैं। जैसे देखिए, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें से दो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ की हार्ड हो सकता है, कुछ का अपेयरेंस डल या शाइनी हो सकता है, कुछ वेरी हार्ड नॉट वेरी हार्ड हो सकता है। तो देखिए, आयरन कैसा है वो आपको बताना है, उसका अपेयरेंस कैसा है, चमकता है कि डल है, हार्ड है कि नहीं है। तो ये सारा आपको खुद से भरना है बुक में, ये आपका होमवर्क है। आपको कोल कैसा है, सल्फर कैसा है, एल्युमिनियम कैसा है, कॉपर कैसा है, आयरन कैसा है, ये सारा आपको खुद करना है। ठीक है, टेबल 4.1 आपका एग्जांपल है कि भाई चीज़ें कैसी दिखती हैं। आपके घर में भी चीज़ें आप देखते हैं, चीज़ें कैसी दिखती हैं आपको बताना है। अपीयरेंस मतलब क्या होता है कि वो दिखने में कैसा है, शाइनी मतलब चमकीला है या डल मतलब धुंधला है, हार्डनेस, हार्डनेस मतलब वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड है, इस तरह से आपको इसमें बताना है। दोनों में से शाइनी या डल, इसमें हार्ड या नॉट वेरी हार्ड, सबको आपको बताना है। ठीक है, अब ये टेबल के बाद आपको पता लग सकता है कि भाई जो हाँ, आपको ये बताना है कि भाई मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, ये समझना है। मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, मेटल को नॉन मेटल से हम अलग कर सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, लस्टर है, हार्डनेस है, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो कोई भी देखिए सामान हमारे पास होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। तो आपको याद रखना है कि भाई जो जैसे यहाँ बता रहे, आपने कभी लोहार को देखा होगा, वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है लोहे को पीट पीट कर, कभी स्पेड बनाता है, कभी शॉवल बनाता है, कभी एक्स बनाता है, लोहे से बहुत सारे औजार बनाता है ना, जो खेतों में यूज़ करते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें बनाता है। उसका शेप वो चेंज कर रहा होता है ना, तो उसका शेप चेंज कर रहा होता है। अब देखिए, अगर हम किसी और चीज़ की शेप चेंज करना चाहें तो क्या सबकी शेप चेंज होती है? अब जैसे यहाँ पर देखिए बता रहा है, बीटिंग एन आयरन नेल विथ हैमर, अगर आयरन नेल को हैमर से बीट करेंगे तो क्या होगा, अगर कोल पीस को लेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम वायर को लेंगे तो क्या होगा, इन चीजों को बीट के क्या सबकी शेप चेंज कर सकते हैं? आसानी से हम सबकी शेप चेंज नहीं कर सकते, है ना, आपको पता है। तो आप देखेंगे, देखिए पेंसिल है वो टूट सकती है आसानी से, कोल है वो भी टूट सकता है आसानी से, लेकिन नेल और एल्युमिनियम आसानी से टूट नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है मैलेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैलेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। मैलेबल मतलब होता है कि भाई उसको हम पतली पतली शीट्स में बना सकते हैं, वो चीज़ होता है मैलेबल। तो क्या आयरन नेल उसका चेंज हो जाता है, क्या फ्लैटन हो जाता है वो या टूट जाता है? कोल प्लीज, कोल पीस मतलब कोयले का टुकड़ा, क्या वो फ्लैटन मतलब चिपटा हो जाता है या टूट जाता है? तो दो चीज़ हो सकती है, या तो चिपटा होगा या तो वो टूटेगा, ये आपको अपने दिमाग से लिखना है कि भाई ये चीज़ें अगर हम किसी चीज़ से पीटेंगे हथौड़े से तो वो टूट जाएगा या चिपटा हो जाएगा। जो चीज़ चिपटी जाती है वो होती है मैलेबिलिटी। तो आपको याद रखना कि मैलेबिलिटी वो क्वालिटी है जिससे कोई चीज़ चिपटी बन सकती है, चपटा बना सकते हैं उसको, है ना, पतला सा शीट जैसा, पतला सा चादर जैसा बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है, तो पतला सा शीट जैसा या चादर जैसा जिसमें बनाते हैं उसको बोलते हैं
मैलेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। तो वो मटेरियल मैलेबल कहलाएगा जो पतली शीट में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो अगर कोई मान लो ये मोटा सा है, ठीक है, ऐसे ए ऐसे मान लो ये मोटा सा है, ठीक, फिर इसको अगर हम ऐसे पतला सा चिपटा सा चादर जैसा बना दें तो इसका मतलब ये क्या है, मैलेबल है, ठीक है। तो ये होता है मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को हम पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज में बताया गया कि मैलेबल क्या होता है, कोई मटेरियल कैसा हो सकता है, उसका शाइनी या डल अपीयरेंस हो सकता है, कोई मटेरियल हार्ड या नॉट वेरी हार्ड हो सकता है, कोई लस्टरस हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, अब क्या देखेंगे भाई, यू सो दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। जैसे मान लीजिए लोहा है या एल्युमिनियम वायर, उसको अगर हम बहुत ज्यादा बीट करेंगे, बहुत ज्यादा पीटेंगे, तो उसकी शेप तो चेंज हो जाएगी ना। और उसको अगर बहुत ज्यादा बीट करेंगे तो उसको हम किसमें चेंज कर सकते हैं, शीट्स में। शीट्स मतलब ऐसे पतले पतले शीट्स, ठीक है, शीट्स मतलब चादर जैसे शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एल्युमिनियम या आयरन दोनों की बात करें हम, तो आपने यह किसके बारे में देखा, एल्युमिनियम के बारे में देखा और आयरन के बारे में देखा। तो एल्युमिनियम और आयरन को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम दे कैन बी बीटन इन टू अ शीट, अगर उसको बहुत ज्यादा हम पीटेंगे हैं थोड़ी सी या किसी भारी चीज से तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, उससे हम शीट बना लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए सिल्वर फॉइल हम लोग घर में यूज करते हैं रोटी वगैरह लपेटने के लिए, ब्रेड वगैरह लपेटने के लिए, लंच में कहीं खाना पैक करके ले जाना होता है, वो भी तो पतली सी शीट है। एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं रैपिंग, है ना, सिल्वर फॉइल को यूज करते हैं, सॉरी उसमें डेकोरेटिंग स्वीट्स में, और एल्युमिनियम फॉइल को हम यूज करते हैं, गलत बोल दिया मैंने, एल्युमिनियम फॉइल को हम यूज करते हैं खाने को रैप करने के लिए, है ना। तो बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की विच that they can be beaten into thin sheets is called their malleability। मतलब किसी भी metal की, किसी भी metal की वो property जिससे हम उसको beaten, मतलब उसको पीट पीट के पतली शीटों में, पतली पतली शीटों में, चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं malleability। जो मैंने ऊपर समझाया भाई malleability क्या होती है, तो malleability वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा किसी भी मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली चादर, पतला पतला फ्लैट पेज, जैसे कॉपी का पेज पतला सा होता है ना, चपटा सा, जैसे बुक का पेज होता है ना, इतनी पतली चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी मोटी भी होगी तो मतलब पतली पतली चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मान लो ये ऐसा गोल सा कुछ था, ठीक है, पहले मान लो ऐसे गोल 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 कुछ था, ठीक है, गोल गोल था, फिर हमने इसको क्या किया, फिर हमने इसको इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या है, मैलिएबल है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, मैलिएबल है, क्यों, क्योंकि हमने गोल 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 चीज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे ऐसा जिसके पास होता है प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं मैलिएबल। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की, याद रखना ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसमें होती है, मेटल्स में, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती है, ठीक। जैसे कि कोल, कोयला, कोयला हो गया, ठीक है, पेंसिल लीड हो गया, पेंसिल के अंदर जो लीड होती है वो हो गया, ये लोग जो है ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, अगर इनको हम पीटेंगे किसी अथॉरिटी से तो ये टूट के ब्रेक हो जाएंगे, तो ये मैलेबल नहीं है। इसका मतलब ये लोग क्या है, नॉन मेटल। तो जो मैलेबिलिटी वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो मेटल होगा, जो मेटल होगा वही मैलेबिलिटी शो कर पाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मैलेबिलिटी क्या होती है, मैलेबिलिटी वही शो कर पाएगा जो क्या होगा, खुद, जो कि खुद मेटल होगा, यानी कि मैलेबिलिटी सिर्फ मेटल के द्वारा शो की जा सकती है। तो कोल और पेंसिल लीड मैलेबल नहीं है, इसका मतलब वो मेटल नहीं है, ठीक। तो एक चीज और आपको देखनी है कि हीट के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, जैसे हीट, वुड की बात करें और प्लास्टिक की बात करें, तो ये लोग किस तरह से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हैंडल जो देखिए उसका प्लास्टिक से बना होता है, जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर, कोई इलेक्ट्रिशियन यूज करता है तो उसका हैंडल प्लास्टिक कवर का, इन चीजों का बना होता है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात आ रही है। अब जैसे देखिए तार है, बिजली, बिजली इसमें आसानी से पास हो जाती है, ये एक्टिविटी आप देखिए, है ना, इसमें क्या होता है, अगर सेल में हम तार जोड़ के कील के थ्रू बल्ब छोटा सा जलाएंगे तो इसमें हीट, हीट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास होती है और बल्ब जल जाता है, ठीक है।
एक्टिविटी देखिए बता रहा है इसमें भी कि गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कोई भी चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए या तो उसकी गुड कंडक्टर होगी या तो उसकी पुअर कंडक्टर होगी। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या होता है, पुअर कंडक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर वो होता है जो अपने अंदर से आसानी से हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, ठीक है, वो होता है गुड कंडक्टर। और पुअर कंडक्टर वो होता है जो उसमें से पास ना होने दे। तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई आयरन है, सल्फर है, कोल पीस है, कॉपर वायर है, इनमें कौन गुड कंडक्टर है और कौन पुअर कंडक्टर है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और बताइए, ठीक है। आपने देखा जो आयरन रॉड होता है, नेल होता है, कॉपर वायर होता है, ये सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। लेकिन जो सल्फर पीस है या जो कोल पीस है, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। ये एक्टिविटी में आपको पता चल जाएगा। देखिए ये एक्टिविटीज आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक्टिविटी ज़्यादातर लैब में कराई जाती हैं, ठीक है। घर में बहुत ही कम एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, ऐसा मत करिएगा जिससे आप कोई जल जाए या कुछ हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस यहाँ पर। तो अब आपको ये याद रखना है कि गुड कंडक्टर कौन कौन है, नेल यानी कि कील, कील कॉपर वायर, ठीक है, यानी कि कील और कॉपर वायर, ये क्या हो गए, या आयरन रॉड लोहे की छड़ी या कील या कॉपर वायर, सब क्या है, गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और सल्फर पीस हो गया और कोल पीस हो गया, ये सब पुअर कंडक्टर है क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए कि देखिए जो वायर्स होते हैं ज्यादातर, ये तो होगी देखिए हीट इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने की, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है, रखना। हीट को इलेक्ट्रिसिटी को जो कन्वर्ट करे, मतलब जो कंडक्ट करे, मतलब अपने अंदर से पास होने दे, जो हीट को इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है वो होता है गुड कंडक्टर। तो वो सारे मेटल्स होते हैं, चाहे आयरन रॉड हो, चाहे नेल हो, चाहे कॉपर वायर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स। और पुअर कंडक्टर में कौन है, कोल पीस और सल्फर पीस, यानी कि कोल और सल्फर पुअर कंडक्टर है, यानी कि ये लोग मेटल नहीं है। तो एक चीज और समझ लीजिए, जो मेटल होता है वही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और आपने एक चीज और देखी, ज्यादातर वायर किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की और कॉपर की, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पर कि वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसमें, वायर्स में, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। ये याद कर लीजिए आप, ये जितनी भी चीजें मैं अंडरलाइन करता हूँ, गोल करता हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आपको दिमाग में बिठाना होता है। सारे वीडियो देखने होते हैं आपको, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते हो तो आप क्या करते हैं, खाली काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, रट लेते हैं, वो नहीं करना है। वीडियो देख के समझना है भाई क्या बात है, हम ऐसे मान लीजिए डक्टिलिटी क्या होती है। तो डक्टिलिटी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम उससे तार बना सकते हैं, यानी कि वायर्स, जो घर में बिजली की वायर होती है, लैपटॉप चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज होता है, आपकी बिजली में घर में आपके बल्ब जलता है, ये सारे तार से चलते हैं ना। तो तार ज्यादातर किसके बने होते हैं, मेटल्स। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो डक्टिलिटी का मतलब यहाँ पे तार बनने वाली बात आ गई। इसके बाद एक और चीज आ रही है कि देखिए सबका साउंड अलग अलग आता है मेटल्स का, ठीक है, जिसमें मतलब जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है, क्या आपने घंटियां जो होती है मंदिरों में या कहीं भी, क्या आपने क्या लकड़ी की घंटियां देखी हैं? नहीं होती है। वैसे घंटियां किसकी होती है, मेटल्स की होती है ना, क्योंकि उससे अच्छी साउंड आती है। तो जब उनको हम टकराते हैं आपस में तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन लकड़ी से नहीं होगा। तो एक चीज ये साउंड वाली जब बात आ रही है, तो सिंस मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं कौन सा साउंड, रिंगिंग, टन 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 टन, ऐसा आवाज आता है ना, घंटी बजाते हैं टन 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 आवाज आता है ना, तो रिंगिंग साउंड, जिसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, वो क्वालिटी किसमें होती है, मेटल्स की। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, सोनरस, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि मेटल में जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सोनरस। सोनरस का मतलब है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, टनटनाने की घंटी जैसी आवाज लाना। तो ये किसमें होती है, मेटल्स में होती है। तो आपको याद रखना है कि मेटल्स में क्वालिटी होती है डक्टिलिटी की, मैलिएबिलिटी की, मेटल्स में क्वालिटी होती है किसकी, सोनरस होने की, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। देखिए फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया हमारा, सेकंड पेज भी कंप्लीट हो गया हमारा, और हमारा थर्ड पेज चल रहा है ये।
तो इसके इतना पढ़ने के बाद हमने ये समझा कि ये पता लगा भाई जो कुछ मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो ये सारे मेटल्स कौन से, ये सारी प्रॉपर्टीज जिनमें होती है उसको बोलते हैं हम मेटल। तो ये आपको डिफाइन किया जाता है कि मेटल क्या होता है, यानी कि द मटेरियल्स विच जनरली पजस ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जिसके अंदर हार्डनेस, लस्टरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स। आपको याद रखना है, पता लग गया ना मेटल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखना ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसकी एग्जांपल की बात करें तो देखिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स है। और इसका अगर अपोजिट कर दें वो मटेरियल, जैसे कि जो कौन, कोल, सल्फर, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में, ये आसानी से टूट जाते हैं और ना ही ये सोनरस होते हैं और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये सोनरस भी नहीं होते हैं, ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ये कुछ भी नहीं होते, ये सब जस्ट अपोजिट है मेटल का। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। ऐसी मतलब चीज़ों को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, जिसमें ये सारी मेटल वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, मतलब इसका उल्टा करना है मेटल का जस्ट, तो वो नॉन मेटल हो जाता है। जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। इसमें जो सोनरस ना हो, जो डक्टाइल ना हो, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी ना हो, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है, जैसे कोल हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कोल, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि नॉन मेटल्स कैसे क्या होते हैं। अब देखिए बता रहा है कि मेटल्स कुछ और होते हैं, जैसे जो सोडियम और पोटेशियम, थोड़ा ये अलग जैसे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, होते तो मेटल हैं लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं, यानी कि ये अलग केस है, ये एक एक्सेप्शनल केस है मेटल्स का और इनको हम चक्कू से भी काट सकते हैं। तो ये मेटल कुछ अलग तरह के मेटल्स भी होते हैं जिसके अंदर कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। अब जैसे देखिए मरकरी है, मरकरी होता है ये एक ऐसा ओनली मेटल है जो कि लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये दीज आर व्हाट, दीज आर एक्सेप्शंस, मतलब ये हैं तो मेटल्स लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको चक्कू से काट सकते हैं हम, तो मेटल तो ऐसा नहीं होता है। मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है ना, आसानी से कटता नहीं, आसानी से ब्रेक नहीं होता है। लेकिन ये मेटल है, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों मेटल है, ठीक है। ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये दोनों हैं तो मेटल, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहे हैं, नॉन मेटल की, ठीक है। तो और जैसे मरकरी है, जो मरकरी भी, ये भी क्या है तो मेटल, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी चल रहा है, प्रॉपर्टी किसकी लेके चल रहा है, ये अलग जैसी प्रॉपर्टी। ये कैसा होता है रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड होता है, याद रखना। ये कैसा होता है लिक्विड टेम्परेचर पर, सॉरी ये रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है ना, गलत बोल रहे हैं थोड़ा सा। ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड रहता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई इसकी हमारी, कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना, ये हमने जानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद दूसरा बता रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो वो क्या क्या रिएक्शन करता है, ये आएगा इसमें। अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, जैसे आपको पता है कि आयरन में जंग लग जाता है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा क्या है, मेटल है ना, लोहा क्या, आयरन क्या है, मेटल है ना, तो इसकी एक ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन होता है और रस्टिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे लोहे में अगर हम पानी लगा दें तो हमें ये रस्ट मिलता है, लोहे में जंग लग जाता है और लोहा क्या होता है, धीरे धीरे खराब होता है इस रस्ट की वजह से, ठीक। अब देखिए होता क्या है, रस्ट फॉर्म कैसे होता है, इसमें ऑक्सीजन की वजह से होता है, ठीक है। तो होता क्या, देखो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जब मिल जाता है
तो ये हमें रस्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये बना के नहीं दिखाया उन्होंने, तो अभी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन आपको समझना नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे। आपको सिंपली ये समझना है कि जब लोहा, पानी और हवा ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, लोहा खराब होने लगता है। ठीक है, तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर में एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वहाँ पर जंग लगता है, जिसको बोलते हैं रस्ट, रस्टिंग या फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो पानी, हवा, लोहा जब एक साथ हो जाते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि लोहे की चीज़ों को पानी से, हवा से, इन चीज़ों से बचाने, मेन चीज़ पानी से बचानी चाहिए। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे को पेंट कर देते हैं। अक्सर लोहे का गेट वगैरह क्या होता है, हमेशा पेंट करते हैं ना, और अपने घर के बाहर जो गेट लगाते हैं उसको पेंट करते हैं। अगर पेंट नहीं किया हुआ कोई गेट होगा तो उस लोहे को छू के देखना, उसके बाद जब हाथ से आप रगड़ेंगे तो कुछ लाल लाल काला काला छूट के आता है, काला काला क्या ऐसा लाल लाल छूटता है, ये देखिए जैसे कलर है ना, इस कलर का कुछ ना कुछ आपके हाथ में लग जाता है, ये क्या होता है, रस्ट। तो ये हवा पानी से रिएक्ट करके रस्टिंग करता है और लोहा खराब होने लगता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर बाकी ये जो है ये कल पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, फिर परसों पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, पढ़ के फिर हम अपना चैप्टर धीरे धीरे खत्म करेंगे। और तब तक के लिए आपका होमवर्क डेली क्या है, डेली आपको चैप्टर को रीड करना है, डेली आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, डेली आपको वीडियोज़ देखना है, अच्छे से समझना है, और फिर लास्ट में क्या होता है, चैप्टर के लास्ट में ये दिया होता है ना, वॉट यू हैव लर्नड, ये आपको अच्छे से पढ़ना होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, और किताब में सारे क्वेश्चन आंसर ढूंढने होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं किताब में आपको, इनको सबको ढूंढ ढूंढ के आपको कॉपी में लिखना है, इनको सबको लिख के याद करना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ये सब होमवर्क है आपका। तो पहले होमवर्क कब आप कर पाएंगे अच्छे से, ईमानदारी से, जब आप अच्छे से वीडियोज़ को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। और देखिए एक हफ्ते में हम सिर्फ एक चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं, तो एक हफ्ते में एक ही चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप अच्छे से समझिए, रीडिंग की आदत डालिए, राइटिंग की आदत डालिए, ठीक है, पढ़ने की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए, पूछने की आदत डालिए, ग्रुप डिस्कशन की आदत डालिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है, ग्रुप में पूछना है, एक दूसरे के साथ भी पूछना, आस पड़ोस में रहते हैं तो, है ना, और समझ के करना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स, रस्टिंग क्या होता है, जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्टिंग करता है और लोहा खराब हो जाता है, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो हमने इतना ही फिलहाल अभी यहाँ तक पढ़ा है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।